आजकल कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां पर नेताओं के घर से भारी मात्रा में कैश मिल रहा है। अब इसी चक्कर में कांग्रेस भी लपेटे में आ गई है। दरअसल कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कैश कांड में फंसे पार्टी के 3 विधायकों को निष्कासित कर दिया है। बता दें कि 3 विधायक पार्टी की झारखंड इकाई से हैं और शनिवार शाम इनसे भारी नकदी बरामद हुई थी। पार्टी महासचिव और झारखंड कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे ने बताया कि 3 विधायकों को तत्काल प्रभाव से पार्टी से निलंबित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि जो भी इसमें लिप्त पाया जाएगा उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। एक प्रेस वार्ता में अविनाश पांडे ने कहा, झारखंड के कुछ विधायकों को काफी कैश के साथ कोलकाता में पुलिस ने पकड़ा है। वहां विधायकों को डरा धमका कर और प्रलोभन के जरिए सरकार को अस्थिर करने की कोशिश हो रही है। बीजेपी के इस प्रयास के खिलाफ पिछले दिनों एक FIR भी दर्ज की गई थी। एक राज्य में मुख्यमंत्री विधायकों से संपर्क कर रहे हैं और एक केंद्रीय मंत्री विधायकों को धमकी दे रहे हैं। अविनाश ने ये भी कहा कि महाराष्ट्र में सरकार बदली लेकिन महीने भर बाद भी मंत्रिमंडल नहीं बन पाया। छत्तीसगढ़ में भी एजेंसी के जरिए सरकार को परेशान करने की कोशिश हो रही है। राजस्थान में भी यही कोशिश हो रही है। दिल्ली में हुई प्रेस वार्ता में कांग्रेस के मीडिया प्रमुख पवन खेड़ा भी मौजूद थे। उन्होंने भी बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। झारखंड के 3 विधायक पश्चिम बंगाल में भारी नकदी के साथ पकड़े जाने के बाद कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि ऑपरेशन लोटस का पर्दाफाश हो गया है, जो राज्य में गठबंधन सरकारों को गिराने के लिए है। इसी के बाद कांग्रेस ने अपनी राज्य यूनिट से रिपोर्ट भी मांगी है। जयराम रमेश ने ट्वीट किया, दिल्ली में हम दो का गेम प्लान झारखंड में वही करना है जो महाराष्ट्र में ED जोड़ी लगाकर किया। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले में शनिवार को झारखंड के 3 कांग्रेस विधायकों को पुलिस ने हिरासत में लिया। बताया जा रहा है कि ये 3 विधायक जिस वाहन में सवार थे उसमें 48 लाख रुपए से अधिक की नकदी जब्त हुई है। इस खबर से जुड़े अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए ABP Live।